एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स, आपके जो जब फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो, जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, आसान नाम ले रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप उसके बाद रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करना है तो आप अपने इनकम स्टेटमेंट से बहुत अच्छा कर सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, सही है ना, जिसके अंदर आपके पास नेट प्रॉफिट का मार्जिन आप निकाल सकते हो कि मेरे नेट प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कहलाता है, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कहलाता है, कि आपका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले जिसे, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितना है, ये नॉट नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, परसेंटेज नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा कि कितना परसेंट आप नेट प्रॉफिट कमाते हो। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट का भी हो सकता था, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रखते और यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट रखते, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ आपका डिवाइड बाय सेल्स, तो मल्टीप्लाई 100 तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं हम, और किस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट होता है उस पर बात कर लेते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से क्या फायदे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट के हवाले से भी सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एक फाइनेंशियल, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट, ठीक है ना। मैट्रिक के लफ्ज से कोई आप वो जहन में नंबर्स नहीं ले आना, अगर कोई कहता है 1 टन तो उसका मतलब 1 टन मतलब 1000 केजी, और कोई कहता है 1 मैट्रिक टन तो 1 मैट्रिक टन का मतलब भी 1000 केजी, सही है। तो 1 मैट्रिक टन का मतलब 1000 के, टन का मतलब 1000 केजी। बहरहाल ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल मैट्रिक है, मैट्रिक का मतलब बता दिया, दैट इंडिकेट्स द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कोर ऑपरेशंस, ये बताता है कि कंपनी को अपने कोर एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ है। कोर एक्टिविटी क्या है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो कुछ कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडसेट्स, जो मोबाइल फोन्स है वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, तो उसको मोबाइल मैन्युफैक्चर करके सेल करना ये उसका कोर ऑपरेशन है, उसमें जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, कि मोबाइल में मटेरियल लेबर जितनी लगती है उसकी कॉस्ट, और वो मोबाइल बन के बिकता कितने का, उसका सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो जो प्रॉफिट बचता है ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी उसमें से आपके रेंटल्स माइनस करना बाकी है, आपके यूटिलिटी बिल्स माइनस करना बाकी है बिजनेस के, आपके जो गार्ड्स की सैलरीज है वो देना बाकी है, क्लीनिंग स्टाफ की सैलरी देना बाकी है, ठीक है। वो सब भी जब माइनस हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। अभी हम नेट प्रॉफिट की बात नहीं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे, एक माल मुझे खरीदने में या बनाने में कितने का पड़ा और बिका कितने का, तो उसका जो फर्क है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम जो है ना मेनली उसके कोर ऑपरेशन से होती है, तो उसके कोर ऑपरेशन से जो आमदनी हुई माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट बचा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, क्लियर है। ये बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने, कि जिस तरह से उजैर भाई आपने कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया था कि सेल्स में से ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन बचता है, उसी तरह का कुछ लग रहा है ग्रॉस प्रॉफिट भी, कि सेल्स में से उसकी खरीद दाम माइनस कर दो, क्योंकि जितने यूनिट्स बेचोगे उतने यूनिट्स वो खरीदे हुए होंगे, तो वो सारी वेरिएबल कॉस्ट ही हुई, वो माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। बिल्कुल इस तरह से आप सोच सकते हो, लेकिन एक इसके अंदर बहुत बड़ा फर्क है, ये वाली जो लैंग्वेज है ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, मतलब कॉस्टिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता हूँ क्या होती है, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये होती है बजट की, मतलब बजटरी अकाउंटिंग, पहले से कर रहे होते हो, ये प्लानिंग स्टेज पे होती है कि क्या होगा, और ये जो है ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या हो चुका। आपके ओ लेवल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल दो या कॉस्ट, जिस भी लफ्ज से बोलो, उसका कोई बहुत ही मिनिमम कुछ टच होगा, वो ए लेवल्स के अंदर कोर्स का पार्ट बनता है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये उन इवेंट्स के बारे में होती है जो हो चुकी, जो इवेंट्स हो चुके उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, उनसे प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो वो जो सारा हो रही होती है अकाउंटिंग,
उसके अंदर आप कॉन्ट्रीब्यूशन का लफ्ज नहीं ग्रॉस प्रॉफिट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें फिर फर्क आपको पता चलता है। कॉन्ट्रीब्यूशन हमें तब पता करना होता है कि हमें पर यूनिट क्या बचेगा जो हमें कंट्रीब्यूट करेगा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, तो इस हिसाब से हमें कितने यूनिट बनाने होंगे। ये सारी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग है, जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका मतलब ये है कि जो हो चुका उसको उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करके उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करो। तो उसके अंदर इतने का माल बेच दिया जो कि मैंने खरीदा इतने का था, तो खरीदा माइनस करे तो हमारे पास ये हुआ ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कि इस साल हमने इतना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। तो नहीं, कितने यूनिट्स बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कितने यूनिट्स बेचे और क्या प्रॉफिट हुआ इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गेट द पॉइंट? तो उसके वर्ड्स की लैंग्वेज में भी फर्क आता है। ग्रॉस प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट की आपकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसकी, या प्रोडक्शन एक्टिविटी है या फिर आप खरीद के बेच रहे हो या प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो, दोनों सूरत है। वो जो एक्टिविटी है खरीदने के बाद बेचने की, क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है, ये बताता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा? तो बहरहाल ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने की वजह आपको ये दोनों हेडिंग्स मोर और लेस सेम लगेंगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट की वजूहात क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट की वजूहात ये होती है ग्रॉस प्रॉफिट आने की कि आपके सेल प्राइस आपकी कॉस्ट से बड़े ज्यादा थी, सेलिंग प्राइस कॉस्ट से सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट की बनिस्बत, तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, ठीक है ना, एक ये वजह। या फिर सेल्स वॉल्यूम इज नॉट द रीजन फॉर हायर ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये मैं आपको ज्यादा समझा देता हूँ कि आपको ये लगे कि सेल्स प्राइस या सेल्स वॉल्यूम दोनों चीजों मिलकर टोटल सेल्स का फिगर बनता है, तो उसमें आपको ये ना लगे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मार्जिन होता है परसेंटेज, 100 की चीज बेच रहा हूं जो कि 60 की ली थी, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 40। एज अ परसेंटेज बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट, तो दिस डिवाइडेड बाय 100, ये एज अ परसेंटेज आया 40%। अब अगर मैं एक यूनिट बेच रहा हूं तो 100 कॉस्ट हुई, 100 सेलिंग प्राइस हुई, 100 सेल्स हुई और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60 हुई, ठीक है, एक यूनिट की। अब मैं 1000 यूनिट बेच रहा हूं तो 100 की जगह यहां पर क्या 1000 आ जाएगा, तो यहाँ 600 की जगह यहाँ 1000 की जगह चाहिए, 100 की जगह 1000 है क्योंकि एक यूनिट 100 का था, 10 यूनिट कितने के हो गए, एक यूनिट 100 का था 10 यूनिट कितने के हो गए 1000 के, और यहाँ पर एक यूनिट 60 का आपको पड़ रहा था तो 10 यूनिट कितने के पड़े 600 के, तो 400 ग्रॉस प्रॉफिट। तो परसेंटेज तो वही रही ना, 400 डिवाइड बाय 1000 रखो या 40 डिवाइड बाय 100 रखो, तो आपके सेल्स क्वांटिटी से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं हिलता, परसेंटेज में फर्क नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपके सेलिंग प्राइस से फर्क आ सकता है कि आपने जो सेल की ना 10 यूनिट वो आपके 120 के किए और कॉस्ट वही की वही है 10 यूनिट की, 60 का एक पड़ रहा है, 10 यूनिट 600 के पड़े, लेकिन आपने 100 की जगह 120 का बेचा, तब 1200 की सेल हुई, 600 माइनस हुआ तो 600 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। अब के 600 का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, क्लियर हो रही? तो सेलिंग प्राइस की वजह से ये चेंज हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नॉट सेल्स क्वांटिटीज की वजह से। आप इसको समझेंगे ये बताएगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अच्छे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के सबसे एक तो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है कि जितना अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन आने के चांसेस ज्यादा है, तो उतना आपका बिजनेस बताता है कि मैं इतना परसेंट नेट प्रॉफिट कर लेता हूँ या इतना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कर लेता हूँ अपनी सेल्स का। आप इस तरह से एनालिसिस करते हो, अच्छा जितना मैंने नेट प्रॉफिट का ऊपर बता दिया ये नेट प्रॉफिट भी आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल दी हुए कर लोगे उसके साथ, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझा देता हूँ। आपका जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पर लिखा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसकी डेप्थ फिर बाद में कभी जब रेशियोज कर रहे हो तो बताई जा सकती है, लेकिन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसको मिला लो तो बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको नीचे रखो और ऊपर रखो नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100%, तो ये बनता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो हमने देखा प्रॉफिट मार्जिन, क्या हम अपनी सेल के ऊपर कितना हम कितना प्रॉफिट बनाते हैं, कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन है। हम कितने पैसे पे कितना रिटर्न देते हैं, इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो आप कभी, क्या आरओआई क्या है, लेकिन आरओआई आरओसी सेम सेम चीज नहीं होती। आरओआई होता है सिर्फ ओनर के पैसे के ऊपर प्रॉफिट कितना आया,
जबकि रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि ओनर का पैसा प्लस जो भी लॉन्ग टर्म पैसा है उसके ऊपर रिटर्न कितना आया, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकालना, तो आप ये रखोगे कि प्रॉफिट ऊपर रखा और इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस पे लगाई गई है टोटल वो नीचे रखी, तो निकल आएगा कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट करता, मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट करता है बिजनेस। क्लियर है? करंट रेशो बिजनेस के बारे में बताते हैं कि बिजनेस कितना लिक्विड है। करंट रेशो वर्किंग कैपिटल रेशोज में से एक है। वर्किंग कैपिटल रेशोज कुछ पांच एक तो मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन उसमें से आप फिलहाल ये समझो, एक करंट रेशो समझो जो कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब बिजनेस की करंट एसेट सिर्फ 250 है और करंट लाइबिलिटी 750 है, तो उसका मतलब तो ये हो गया बिजनेस 1/3 है इसका करंट रेशो। 1/3 का मतलब तो ये हो गया कि ये तो अपनी करंट लाइबिलिटीज भी पूरी पे नहीं कर सकता। फिर इस बिजनेस ने एक नॉन करंट लाइबिलिटी से लोन, इससे लोन लेके रेज किया पैसा, ठीक है ना। जब नॉन करंट लाइबिलिटी से रेज किया पैसा, कितना रेज किया, 1,000,000 समझ लो, तो 1,000 ऐड हो गया करंट लाइबिलिटीज में, कुछ ऐड नहीं हुआ, बस करंट एसेट्स में ऐड हुआ क्योंकि लोन लिया और बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में जो पैसा वो करंट एसेट का हिस्सा बन गया, ठीक है ना। डिवाइड बाय करंट, अच्छा करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, अब करंट एसेट्स ऊपर तजावज कर गए, ठीक है ना। सो दिस इज 5/3, 2 whole 1/3 बचा। ये बेहतर करंट रेशो है, सही है, 5/3 = 1/2/3 कि एक दफा तो आपकी करंट लाइबिलिटी उतर ही सकती है, उसके बाद भी इतना बच जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। करंट रेशो के अंदर आप करंट एसेट्स को ऊपर रखते हो। करंट एसेट्स के अंदर मेनली क्या होता है, बैंक कैश, डेटर्स, स्टॉक, ये तीन मेन करंट एसेट्स हैं आपके। बैंक या कैश में जो आपके पास पैसा है, आपके रिसीवेबल्स और आपका स्टॉक। तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, जो हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं, मतलब जैसे ये डेटर्स है ना, तो वो होता है क्रेडिटर्स, जिनको अभी हमें पैसा देना है इमीडिएटली, सप्लाई ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ये हमारी, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, इसी किस्म का बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है इसमें, जो हमें इमीडिएटली पे ऑफ करना है, बैंक की कोई लाइबिलिटी है जो साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, तो करंट लाइबिलिटीज नीचे रखे करंट एसेट्स ऊपर रखे। ये हमें बताता है, करंट रेशियो बताता है कि बिजनेस कितना लिक्विड है, अपनी लाइबिलिटी, अपनी सर पे आई हुई लाइबिलिटीज को पे करने की कितनी काबिलियत रखता है। करंट रेशियो के जैसा ही एक और रेशियो है, वो बिजनेस की और ज्यादा लिक्विडिटी को और करीब से बताता है, उस रेशियो को कहते हैं क्विक रेशियो। वो भी करंट रेशियो की तरह ही है, लेकिन वो करंट रेशियो से ज्यादा क्विक है। वो करंट एसेट्स के अंदर से कहता है स्टॉक हटा दो, क्योंकि अभी स्टॉक बिकेगा, फिर डेटर में कन्वर्ट होगा, फिर पैसा आएगा, तो ये इतना क्विक तो नहीं कहलाया स्टॉक को, आप इतना करंट क्यों सोच रहे हो, स्टॉक का पता भी नहीं है ना कब बिके, बिके ना बिके। डेटर का तो पता है ना कि उसके फिक्स टाइम है, उसमें पैसा देना ही देना, उसने पैसा नहीं दिया तो केस भी कर सकते हैं उस पर, लेकिन स्टॉक का तो ये भी नहीं पता बिके ना बिके। तो क्विक रेशो कहता है कि स्टॉक को हटा दो करंट एसेट्स में से। अब आपके करंट एसेट्स मिसाल के तौर पे थे 1250, आप समझो आपने लोन वोन ले लिया था बैंक से, तो 1250 हो गए थे, लेकिन इसमें से आपका 450 जो है वो स्टॉक अप था स्टॉक के अंदर, वो माइनस कर दो और डिवाइड बाय 750 जो आपकी करंट लाइबिलिटी सोची हुई थी हमने, तो क्या बना 800 डिवाइड बाय 750, 800 डिवाइड बाय 750 इज 80/75, विच इज 1/15, लेकिन 16/15 भी कर सकते हैं, या पॉइंट्स में भी चाहे तो लिख सकते हैं। 16/15 जो है वो डेसिमल्स में कितना आता है लिख देते हैं, चलो डेसिमल्स में लिखने की भी आदत डालनी चाहिए थोड़ी सी, 1.066। ये करंट रेशो नहीं क्विक रेशो है, जबकि करंट रेशो आपका क्या था 1250/750, करंट रेशो आपका था 1250/750, तो उसमें अगर डेसिमल्स में निकालें 1.667, क्योंकि 1/2/3 था ना, तो करंट रेशो बताता है कि आपके पास लाइबिलिटीज पे करने के बाद भी इतना हिस्सा बचता है करंट एसेट्स।
क्विक रेशो बताता है कि यार स्टॉक हटा के बात करो तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं बच रहा, इससे भी ज्यादा क्विक एक और हो, क्विकेस्ट, तो जरूर से बैंक रखो ऊपर, डेटर्स भी हटा दो कि वो भी तो बाद में पैसे देंगे ना भाई, विद इन द ईयर तो दे रहे हैं ना, करंट लाइबिलिटीज भी तो विद इन द ईयर पे ऑफ करनी है ना फिर। आप एट हैंड निकालना चाह रहे हो तो सब बैंक ऊपर रखो और डिवाइड बाय 750, सही, तो और ज्यादा आप कहो इसको क्विकेस्ट रेशो। अच्छा क्विक रेशो को हम एक और नाम देते हैं एसिड टेस्ट रेशो। क्विक रेशो कौन सा होता है जिसमें करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देते हैं, क्विक रेशो का एक और नाम है एसिड टेस्ट। तो करंट रेशो आपकी लिक्विडिटी बताता है, और लिक्विडिटी बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने सर पे आए हुए खर्चों को उतार सके, क्योंकि जो बिजनेस अपने सर पे आए हुए खर्चों को नहीं उतार सकता वो तो बंद हो जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट क्यों ना करता हो, लेकिन वो बिजनेस जो चाहे लॉस करता हो लेकिन कैश है उसके पास तो सर्वाइव कर जाएगा। क्विक रेशियो एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री से क्विक रेशियो भी कहलाता है, नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई है। व्हाई एंड हाउ अकाउंट्स आर यूज्ड। अच्छा अब ये जो अकाउंट्स आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो, जो आपका यूनिट 5 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से था, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, एनालिसिस करते हो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के प्रॉफिटेबिलिटी कितनी परसेंट है, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, हमारी लिक्विडिटी क्या है, तो ये क्यों यूज होते हैं और कौन यूज करता है भाई? स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं, हर एक की अपनी वजूहत है। मैनेजर्स क्यों यूज कर रहे थे? मैनेजर चाहते हैं कि हमारा पिछले हमें जॉब मिली हुई है, बीइंग अ मैनेजर हमें ओनर्स की तरफ से रखा गया, हमें जॉब मिली हुई है कि बिजनेस को ग्रो करना है, तो जो प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है उनको उनको चला चलते रहने देना है और बेहतर करना है, और जो लॉस मेकिंग ऑपरेशन है उनको प्रॉफिट की तरफ लेके आने, चाहे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़े या चाहे माल सस्ता करना पड़े या चाहे सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़े या चाहे मार्केटिंग बढ़ानी पड़े, कुछ भी करके उसको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करना है। और जो ऐसे ऑपरेशन है जिसके अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं बचता तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम खुद क्यों पाल लें सर में, उसको हम आउटसोर्स कर दें, इससे बेहतर तो हम बाहर से बना बना खरीद के आगे आगे बेच दिया, वो बिजनेस का यूनिट ही बंद कर दें कि मैं चार तरह के आइटम्स बेचता हूँ बना के स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर, ठीक है, इंडोर स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर मैं टेबल टेनिस वगैरह टाइप के वो पूरे पूरे वो बेचता हूँ टेबल टेनिस के सेट्स, और इसके अलावा मैं बैट्स बेचता हूँ, क्रिकेट बैट्स बेचता हूँ, क्रिकेट बैट बॉल वगैरह क्रिकेट के आइटम्स बेचता हूँ, इसी तरीके से मैं थर्डली दो तीन किस्म के स्पोर्ट्स के आइटम बेचता हूँ। उसमें लगता है मुझे कि यार टेबल टेनिस इज सो स्पेस ऑक्यूपाइंग एंड देयर इज नॉट मच प्रॉफिट मार्जिन, एक पूरा टेबल टेनिस का टेबल जो है मैं बेच ले दे के भी 10-15 हज़ार का बेच पाऊंगा, 15 हज़ार का बेच पाऊंगा मिसाल के तौर पर, जिसमें मुझे सिर्फ 3 हज़ार का मुनाफा होगा, लेकिन वो जितनी जगह घेर रहा है उतनी जगह पर अगर मैं जैसे 10 टेबल्स रखे हो ना टेबल टेनिस के, भले फोल्ड करके भी रखो, तो जितनी जगह घेर रहे हैं उतनी जगह पर अगर उतने प्रीमियम क्रिकेट बैट्स रख दूँ तो एक एक बैट के ऊपर मुझे 3-3 हज़ार ही बच रहा है, तो क्यों ना मैं बैट रख लूँ, ज्यादा नंबर ऑफ बैट्स आ जाएंगे, तो वो एक डिसीजन ले लिया कि ये स्पेस इतना ऑक्यूपाई कर रहा है जबकि इतना प्रॉफिट नहीं कर। ये सारे काम अकाउंटिंग के तहत सामने आते हैं ना, एक चीज है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ये ही नहीं पता वो प्रॉफिट कितना करके दे रही है, आपको लग रहा है बस इस पर अच्छी कमाई हो जाती है, भाई आप ये तो देखो ऐसा परसेंटेज प्रॉफिट क्या करके दे रही है, कि रे यार पिंग पोंग की बॉल के अंदर क्या है 500 का डब्बा बिकता है सही ना, सिर्फ 200 का मुनाफा होता है उसमें, मैं टेबल टेनिस बेचता हूँ पूरा पिंग पोंग की डब्बा जो 500 का बिकता है और 200 का मुनाफा करता है वो 40% मुनाफा करके दे रहा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की सूरत में देखा जाएगा कि एक 500 की चीज बिकी जिसके खरीद दाम थे 300, 200 का मुनाफा हुआ, तो 200 का ग्रॉस प्रॉफिट मुनाफा डिवाइड बाय 500 उसकी सेलिंग प्राइस, तो 200 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय 500 सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और वो इतनी सी जगह घेर रहा है। अब आप कह रहे हो कि नहीं इससे ज्यादा 3 हज़ार का मुनाफा मैं टेबल टेनिस में कमा लेता हूँ, आप कह रहे हो 3 हज़ार का मुनाफा कमा तो कितने का बेचता हूँ 15 हज़ार का बेचता हूँ, लिया कितने का होता है 12 हज़ार का, तो 3 हज़ार का मुनाफा, अब ये 3 हज़ार को डिवाइड करो 15 हज़ार सेल से, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज 20% खाली कमा रहे हो, एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ 20% मार्जिन आपको दे रही है, ठीक है, उसकी जगह आप एक ऐसी चीज बेचने से मना कर रहे हो जो आपको 40% मार्जिन दे रही है, ठीक है, टेबल टेनिस की बॉल है, टेबल टेनिस की बॉलों पे अगर आप 12 हज़ार के टेबल खरीदने की जगह 12 हज़ार की टेबल टेनिस की बॉलें खरीद के बेचते तो इसको बेचते मिसाल के तौर पे ये 12 हज़ार की अगर डिवाइड करें एक डब्बा में पड़ रहा है 300 का, तो 40 डब्बे आपके आ जाते हैं, और हर डब्बा आप कितने का बेच रहे थे 500 का, 20 हज़ार का बेचते, 12 हज़ार के पिंग पोंग की बॉल्स के डब्बे आप लेते और 20 हज़ार में बेच पाते, वहां 8 हज़ार का मुनाफा होता,
जबकि 12,000 के अपने टेबल्स खरीद लिए और उसको 15,000 में बेचा, से 3,000 का मुनाफा। और फिर जगह कितनी घेर रहा है टेबल, आप उसने एरिया में टेबल टेनिस के बॉक्सेस, वो पिंग पॉन्ग की बॉलों के बॉक्सेस और बहुत ज्यादा भी ले सकते थे, जरूरी नहीं है सिर्फ 12,000 के लिए। बहरहाल तो ये वाली डिसीजन मेकिंग के कौन सी प्रोडक्ट रखनी है, कौन सी बेचनी है, सारे मैनेजर्स को चाहिए, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के पता होना चाहिए, मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि मेरी लिक्विडिटी क्या है। अगर मैनेजर को पता चलता है कि मेरे सर पे लाइबिलिटीज आने वाली है और करंट रेशियो बहुत खराब चल रहा है, तो मैनेजर फॉरन अरेंजमेंट करना शुरू हो जाएगा ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए अप्लाई करेगा लोन के लिए, वो भी लोन कब तक आएगी एक भी एक प्रोसीजर होता है, या फिर पार्टनर्स को बढ़ाने के लिए कॉल करेगा, ओनर्स को बोलेगा कि भाई पार्टनर्स बढ़ाएं या ओनर्स इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस की लिक्विडिटी खराब है, ऐसे ही कुछ करेगा। सारे डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि हमारी करंट पिक्चर क्या है, करंट रियल पिक्चर। एक होता है ना बजटेड, उसका भी एक अपना है फायदा, लेकिन यहाँ तो करंट रियल पिक्चर की बात हो रही है। शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, शेयर होल्डर्स तक क्या पहुंचती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही 5 चीजें, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स, तो उसको देख के पता चलता है शेयर होल्डर को कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। शेयर होल्डर करंट शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो कि अभी शेयर होल्डर तो नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपेयर करने के, कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो वो भी सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कंपेयर करेंगे, तो उनके भी काम आती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो क्रेडिट पे पैसा दे रहे हैं आपको या क्रेडिट पे माल बेच रहे हैं, वो भी कभी कभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। भाई आपके पास ऑलरेडी तो बहुत सर पे कर्जा नहीं चढ़ा होगा, तो बैलेंस शीट मांगेंगे, दिखाओ आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, या आपके आपका वर्किंग कैपिटल दिखाओ कितना है ऑलरेडी, आपको हमें पैसा दे दो आप रिटर्न कर पाओगे नहीं, आपकी तो वर्किंग कैपिटल पोजिशन देखें क्या है, 250/750, आप तो अभी अपनी करंट लाइबिलिटी पूरी फुलफिल नहीं कर पाते, तो मेरी क्या करेंगे सर, तो फिर आप नेगोशिएट करेंगे, आपकी करंट नहीं है ना, आपसे मैं लॉन्ग टर्म लोन लेना है, जब मैं आपसे लॉन्ग टर्म लेने आया वो इसीलिए तो लेने आया कि मेरी लिक्विडिटी खराब है। अच्छा ठीक है, वो तो अभी हो गया, आपने लॉन्ग टर्म लोन लेके लिक्विडिटी, लेकिन फ्यूचर में जब आपको 1 साल बाद मुझे इंस्टॉलमेंट देना शुरू करनी होगी तब पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर आपने अभी बजटेड इनकम स्टेटमेंट बताई कि मैं बजट कर रहा हूँ कि मेरे इतने यूनिट्स बिकेंगे क्योंकि इतने लगातार बिकते चले आ रहे हैं, या मैं बजट कर रहा हूँ कि मैंने माल तो बेच दिया था मेरे डेटर्स से जिनसे मुझे पैसा लेना है। ठीक है, डेटर्स तो करंट एसेट में ऑलरेडी शामिल हो चुके होंगे, नहीं मैं इतना माल बेचने का बजट कर रहा हूँ कि मैं कितना माल फ्यूचर में बेचूंगा, तो तब इतना पैसा आ जाएगा कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट का वक्त आएगा मैं अदा कर सकता हूँ। तो ये सारी बातचीत ऐसे हवाओं में नहीं होगी, कोई फाइनेंशियल बैक्ड होगी, कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सामने रखते होगी, बैंक से कोई लोन देते हुए, सप्लायर उधार पे, यहाँ क्रेडिटर्स के अंदर सप्लायर को ध्यान में रखो, या कोई भी लोन दे रहा है, या बैंक, यहाँ पर सिर्फ बैंक की लोन की बात हो रही है, यहाँ किसी और की लोन की बात हो रही है कि कोई और लोन देते हुए देखेगा आपके पास आपके करंट अभी एसेट्स कितने अच्छे हैं, इसी तरीके से बैंक्स लोन देते हुए देखेंगे कि आपके पास एसेट्स इतने हैं या आपका आपके इनकम सोर्सेज इतनी हैं कि आप फ्यूचर लोन अदा कर सको, गवर्नमेंट देखेगी कि आपके जितना प्रॉफिट हुआ है उतना टैक्स पे किया है कि नहीं, इसलिए वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगी कि आपकी प्रॉफिट कितना हुआ है, जरा देखेगी गवर्नमेंट उसी हिसाब से आपने टैक्स पे किया है कि नहीं, तो गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटीज देखेंगे ये चीज़, पाकिस्तान में FBR है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ये देखेगी कि एक बिजनेस कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग चल रहा है और वो बिजनेस है बहुत बड़ा और उसमें हजारों की तादाद में लोग एम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयज है भाई 40,000 एम्प्लॉयज है और ये लॉस कर रहा है बिजनेस, इसका मतलब अगर ये बिजनेस बंद हो गया तो 40,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बिजनेस गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सोशल वेलफेयर करने का काम है ना गवर्नमेंट का, तो सोसाइटी की इंप्रूवमेंट, अब जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर चोरी चकारी भी बढ़ती है, क्राइम भी बढ़ता है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्लियर है, तो गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसलिए भी जहां पर अच्छी वेल स्टेब्लिश गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे काम सारे दुरुस्त चल रहे हैं दूसरे काम, तो वो बिजनेस के प्रॉफिट्स तक भी मेजर करते हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं वो प्रॉफिटेबल ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है, और अक्सर दफा तो ये हुआ है कि बिजनेस जो बंद होने वाले थे अपने लॉसेस की वजह से गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट पैकेजेस दी, तो उनको डूबते में से निकाल लिया कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको दे दिए चले, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती वो बिजनेस बंद हो, क्योंकि वो बिजनेस बंद हुआ तो वो बिजनेस जितना रेवेन्यू कमा रहा था उस मुल्क में उतना रेवेन्यू की का गैप आ गया, तो GDP पे भी मनफी असर पड़ा, फिर लोग निकाल दिए गए तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे भी मनफी असर पड़ा, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, इससे बेहतर गवर्नमेंट समझती है कि यार ये डूब जाए पूरा, इससे बेहतर इसको थोड़ी सपोर्ट दे दो ये खड़ा हो जाए अपने पैरों पर दोबारा, क्लियर है। वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस क्यों फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, ट्रेड यूनियंस जो वर्कर्स की यूनियंस होती है वो चाहती है कि हमारे जितने भी यूनियन मेंबर्स हैं जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी है, वो स्टेबल एक कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे, तो एक एक कंपनी जो स्टेबल नहीं है
तो ट्रेड यूनियन फिर वो कम्युनिकेट करेगी अपनी वर्कफोर्स से कि इस कंपनी के अंदर मुश्किलात बढ़ती जा रही है, तो और ऑप्शंस देखे। इस तरह कोई वर्कर है जो कि कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो देखता है ना कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस क्या है। कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही, लगातार लॉसेस कर रही है, और फ्यूचर में ये बिजनेस बंद ही होने जैसा है, उस जगह पर अपनी सीवी कौन डालना चाहेगा डूबती हुई कश्ती में, समझ रहे हो। तो इसलिए भी वर्कर्स जो अप्लाई करने वाले जॉब्स के लिए वो भी देखना चाहते हैं कि जिस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ कितना प्रॉफिट है उसको, वो सब भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। सो दिस इज वेयर इट एंड्स। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अकाउंट्स एंड एनालिसिस। अच्छा, अकाउंटिंग जो आपकी हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके एनालिसिस करते हो ना जब आप, तो आप सिर्फ नंबर्स की हद तक कर रहे होते हो, तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। जरूरी नहीं है कि सारी पिक्चर जो है वो नंबर से जनरेट हो। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस अभी आपके बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रहा, लेकिन इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है, और फ्यूचर में बहुत अच्छी प्रोडक्ट के साथ ही आ सकता है मार्केट में, तब ये इतना प्रॉफिटेबल हो जाए शायद जो आज इसका प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। सब्जेक्टिविटी इसे कहते हैं अंदाजे। जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो तो उसमें बहुत ज्यादा अंदाजे शामिल होते हैं। तो एक बंदा एक बिजनेस का एनालिसिस कर रहा है और कह रहा है तो बंद होने वाला है, सेम बिजनेस का कोई दूसरा बंदा ये एनालिसिस कर सकता है कि नहीं यार ये तो बिजनेस बहुत ग्रो होगा आगे। आपके क्या बेसिस है जो आप कह रहे हो ग्रो होगा? क्योंकि इसने अपनी सारी कॉस्ट जो साल डाली और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाली, और इस दफा इनकी एक प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी कामयाब हो चुकी है, और इसने क्या कहा कि यार ये तो लॉसेस किए जा रहे हैं। वो लॉसेस की वजह ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा जो फूका है, उसके बदले कोई रिटर्न नहीं है तो लॉस ही था ना। लेकिन अब क्योंकि सक्सेसफुल प्रोडक्ट कुछ दिखना शुरू हो रहे हैं, तो फ्यूचर में चांसेस है सक्सेस रेट के। लेकिन ये बंदा कह रहा है कि जो फ्यूचर में जिस प्रोडक्ट के चांसेस है, उस प्रोडक्ट के ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बहुत सक्सेसफुली मार्केट के अंदर स्टेब्लिश हो चुके हैं, तो जिस वक्त प्रोडक्ट लेके आएगा अगले साल, तब तक वो प्रोडक्ट आम हो चुकी होगी दूसरी कंपनीज के। तो दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते चले आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव वो होती है कि जिसके बारे में राय चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वो होती है जिसके बारे में एक सिंगल राय कायम होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि बिजनेस ने 5 लाख का प्रॉफिट किया, ये एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मैंने आज 10 जोड़ी जूते सेल किए, ये एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्टिव क्या है? मैंने आज बहुत अच्छी सेल की। अब आप 10 जोड़ी को अच्छी कहते हो या नहीं कहते, ये सब्जेक्टिव है। ये शायद आपके लिए अच्छी है, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर जो रोज के हजारों जोड़ी बोलता है, कह रहे ये क्या बेकार सेल है। सही है, ये सब्जेक्टिविटी हो गई। वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चेंज हो सकती है, ये होती है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होती है एक एक फिक्स जिसकी इंफॉर्मेशन होती है। खैर, तो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में टाइम लैग्स का भी चक्कर होता है कि मिसाल के तौर पे आपकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस आप बता रहे हो कि बिजनेस परफॉर्मेंस देखो कितनी अच्छी रही इस साल की बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, पूरे साल के एंड में अगर आपने सारी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली, तो जब हो सकता है वो करंट परफॉर्मेंस ना बता रही हो, सकता है बिजनेस वाकई बहुत अच्छा चला, लेकिन साल के शुरू के 9 महीने बहुत अच्छा चला, लेकिन करंटली अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा और दिखने में ऐसा लग रहा है बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने पूरे साल का प्रॉफिट एक साथ गिना ना, आपने कहा देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया बिजनेस है, हालांकि शुरू के 9 महीने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब ऐसा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया कि अब आपकी प्रोडक्ट बिकती ही नहीं है। तो जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आप निकाले, वो शुरू के 9 महीने की थी, और अब आपके बिजनेस का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। गोइंग कंसर्न का मतलब चलना, 1 साल भी चलना मुश्किल है, क्योंकि ये लास्ट 3 महीने एक भी सेल नहीं हुई और आने वाले 6 महीने तक भी कोई सेल पॉसिबल नहीं है, जब तक आप प्रोडक्ट के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं लेके आते। आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर प्रोडक्ट नीचे जा चुकी है, आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो अब इसमें टाइम लैग है। आपकी इन्फॉर्मेशन के तहत बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बिजनेस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के तहत, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन तो डिलेड है ना, शुरू के 9 महीने वाली है, अभी लेटेस्ट 2-3 महीने की इन्फॉर्मेशन के तहत 1 यूनिट आपका नहीं बिक रहा। तो हो सकता है आप प्रॉफिट को देख के तो कहो ये तो चलना चाहिए बिजनेस, सही, या एक शेयर होल्डर देख के कह रहा है कि यार ये तो बिजनेस बड़ा अच्छा प्रॉफिट किया जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, और वो अंदर इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन एक ऐसा मैनेजर जिसको डेप्थ का पता है, उसको पता है कि शुरू के 9 महीने की सेल है जो है, या आखिरी 3 महीने कुछ खास हुआ नहीं है, तो उस मैनेजर के पास अपने जो शेयर्स होंगे ना, वो शायद वो भी सेल कर दे, यार ये तो बेकार बिजनेस है, जो उसको पता है मैं इसमें काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसमें एक इनसाइडर ट्रेडिंग का भी इशू आता है वो, लेकिन मैं टर्म्स दे रहा हूँ समझा नहीं रहा फिर बाद में। अच्छा, मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड हो सकता है आपके अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन हुई हो, खाली बुक्स यू नो अच्छी दिखने के लिए आपने उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी की हो अकाउंटिंग में, सही है, या तो प्रॉफिट कम शो कर दिया हो, प्रॉफिट कम शो किया ताकि टैक्स कम पे करना पड़े,
या फिर आपने प्रॉफिट ज्यादा शो कर दिया, सही है, प्रॉफिट ज्यादा शो कर दिया ताकि इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी लगे कंपनी और इन्वेस्ट कर। वो क्रिएटिव तरीके कार होता है अकाउंटिंग करने का, जब अकाउंटिंग पे आओगे तब जाके समझोगे कि कितना मार्जिन होता है अकाउंटिंग के अंदर हेरा फेरी का, सही है। इसीलिए वजह से अकाउंटिंग पूरी डिफरेंट फील्ड बनी जिसके अंदर पूरे अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बलबूते पे आपको अकाउंटिंग करनी होती है ताकि आप ज्यादा हेरा फेरी ना कर सको। और ऑडिट भी होता है फिर अकाउंट्स का कि कोई गलत अकाउंटिंग तो नहीं की हुई। जिसकी मिसाल एक देता हूं मैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक कजन है जो कि सप्लाई करता है कोई मेरा एक कजन है जो सप्लाई करता है फैब्रिक, और मैं जिस बिजनेस का अकाउंटेंट हूं वो फैब्रिक लेके उसके टी शर्ट्स अपेरल्स वगैरह बना के सेल करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे कजन को ऑर्डर मिले इस बिजनेस का। मेरे बिजनेस ऑनर ने कहा है आप बेस्ट रेट लेके आओ और उसको ऑर्डर देना। तो मैंने मार्केट से तीन चार कोटेशंस कैसे ली, नेट से उठा ली, वो वाली सारी उठा ली जो मेरे कजन से ज्यादा प्राइस वाली है, और एक मेरे कजन की कोटेशन भी साथ अटैच की और कहा देखो इसमें सबसे सस्ती वाली ये नहीं बताया मेरा कजन सबसे सस्ती वाली ये कोटेशन है, सही है। तो ये आपने देखा कैसे अपने हेरा फेरी किस तरह बेनिफिट क्रिएट किया उसके साथ बात, फिर जब बिजनेस से बाहर आए तो उसके साथ सेटिंग भी कर लिया आपने कि भाई अब मैंने क्योंकि ऑर्डर दिलाया तो मुझे इतना कमीशन दे, सही है। तो इस तरह से बड़े ही सारी हेरा फेरी के चांसेस मार्जिन हो सकते हैं आपके अंदर अकाउंटिंग के अंदर। और ये तो खाली मैं ये वाली जो मैंने मिसाल दी है, तो फिर चलो प्रोक्योरमेंट से लेकर भी इसमें सिर्फ अकाउंटेंट का अमल दखल नहीं है, इसमें से उस डिपार्टमेंट का भी अमल दखल है जो माल को खरीदता है, लेकिन अकाउंटेंट का जहाँ अमल दखल है वो विद नंबर्स है, उसका भी बड़ा मतलब आप कर सकते हो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर भी बहुत अच्छा जी। उसके बाद फाइनली एक एक्टिविटी है एंड देन दिस यूनिट गेट्स एंड, ये एक्टिविटीज आप पूरी परफॉर्म करोगे तो आप इस पूरे नोट्स को सिर्फ कर लोगे थ्रू आउट, आप वैसे ही प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए। बस थोड़ी एग्जाम की टेक्निक पता करनी होगी, 6 नंबर का आंसर तक, 6 नंबर तक रीच कैसे करना है, और रेलिवेंस कि जो पूछा है सिर्फ उतना ही लिखना है उससे ज्यादा नहीं, ताकि आपको जो प्रोवाइडेड स्पेस है उससे ज्यादा तजावज ना कर रहा आंसर।